नागपुर में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा आया सामने। मिले एक दिन में 6,489 पॉजिटिव मरीज, जिसमें शहर के 4,016, ग्रामीण के 2,466 और जिले के बाहर के 7 मरीज हैं शामिल। नागपुर जिले में कुल 64 लोगों की हुई कोरोना से मौत, जिसमें शहर के 37, ग्रामीण के 20 और जिले के बाहर के 7 मरीज हैं शामिल। आज कुल 2,175 कोरोना मरीज हुए हैं ठीक। नागपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 2,66,224 हुई। नागपुर में कुल 49,347 कोरोना एक्टिव केसेस, अब तक कुल 5,641 लोगों की गई है कोरोना से जान। दिन ब दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में हो रही है वृद्धि, मौतों का आंकड़ा भी नहीं आ रहा है नियंत्रण में। डॉक्टरों के हिसाब से अगले 15 दिन में और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं हालात। शहर में बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच रिकवरी रेट हुआ और भी कम, रिकवरी रेट 79.35 पर पहुंचा। गुरुवार शाम शहर के कई टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन नहीं होने से बंद के लगे थे बोर्ड। शुक्रवार को दोपहर बाद पहुंची वैक्सीन के बाद रुका हुआ टीकाकरण हुआ शुरू। आज शनिवार और रविवार रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। वीकेंड लॉकडाउन में केवल अत्यावश्यक सेवा ही रहेगी शुरू। जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने लोगों से की अपील, बिना वजह से ना निकले घरों से बाहर, साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंस का रखे पालन। वीकेंड लॉकडाउन में शहर के पुलिस प्रशासन बिना वजह घूमने वालों पर करेगी सख्त कार्रवाई। 2500 पुलिस द्वारा शहर के 66 स्थानों पर की जाएगी नाकाबंदी। दुकान के सामने लॉकडाउन का विरोध करने वाले व्यापारियों से भी पुलिस निपटेगी सख्ती से। 2500 से अधिक अधिकारी कर्मियों को वीकेंड लॉकडाउन के लिए किया गया है तैनात। शहर पुलिस ने 2 दिनों से आयुक्त अमितेश कुमार के अगुवाई से सड़कों पर किया रूट मार्च। लोगों से और व्यापारियों से सहयोग की है अपील। वीकेंड लॉकडाउन में नागपुर जिले के उद्योग रहेंगे शुरू। कोविड नियमों का पालन हो, ऐसा औद्योगिक एसोसिएशन को दिए गए हैं निर्देश। शहर में कोविड मरीजों के लिए शुरू किया जाए डे केयर सेंटर। मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में कोविड 19 समिति बनाने के दिए आदेश। खंडपीठ ने प्रशासन को दिया 2 हफ्ते का समय। शहर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो रही है कमी की वजह से 2 दिनों से करीब 75% जरूरतमंद मरीजों को नहीं लगा इंजेक्शन, ऐसी जानकारी आई सामने। जहां इंजेक्शन उपलब्ध वहां ज्यादा दामों में बेचे जा रहे हैं इंजेक्शन। महापौर दयाशंकर तिवारी ने केंद्रीय आरोग्य मंत्री को लिखा खत, रेमडेसिविर इंजेक्शन का दाम निर्धारित करने का किया निवेदन। वाड़ी के वेटेड हॉस्पिटल के आईसीयू में एसी से शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग, 4 लोगों की हुई मौत। अस्पताल में 25 से 30 मरीज थे। पीएम मोदी ने जताया खेद और स्थानीय प्रशासन ऐसी घटनाओं को टालने की करे कवायद, ऐसी की है पहल। शहर में बदलते मौसम ने गिराया तापमान। शहर में अधिकतम तापमान 38.2 जो औसतन से 1.4 डिग्री रहा कम और न्यूनतम तापमान 26.3 जो औसतन से 3.4 डिग्री रहा अधिक। आने वाले 3 दिन में तेज हवाओं के साथ ही हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने दी है जानकारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्यापारियों के हित में लेंगे फैसला, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने जताया विश्वास। बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन लेने पर पालकों सहित शिक्षकों में भी संभ्रम की स्थिति। बढ़ते कोरोना के संकट को देखते हुए सरकार परीक्षा लेने पर करे पुनर्विचार, ऐसी है पालकों की मांग। शहर में केंद्रीय स्वास्थ्य टीम ने आकर कंटेनमेंट जोन, स्वास्थ्य केंद्र सहित टीकाकरण केंद्रों का किया निरीक्षण।